बच्चों, आज हम क्लास सिक्स रेनबो का लेसन 12 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सेफ्टी सेव्स। यह एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इससे हमको बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है। ये एक कुणाल नाम के लड़के की स्टोरी है, जो कि बहुत ही लापरवाह लड़का है और कभी भी सावधानियों का ध्यान नहीं रखता है, जिसका फल उसको भुगतना पड़ता है। तो चलो, ये सब जानने के लिए हम लोग इसका हिंदी ट्रांसलेशन सीखते हैं। कुणाल वॉज अ केयरलेस बॉय। कुणाल एक केयरलेस लड़का था, एक लापरवाह लड़का था। ही ऑफन डिड थिंग्स केयरलेसली। वह अक्सर, ऑफन का मतलब अक्सर, डिड मतलब करता था, थिंग्स केयरलेसली, वह चीज़ों को बहुत ही लापरवाह तरीके से करता था। हिज पेरेंट्स ऑलवेज स्कोल्डेड हिम फॉर हिज केयरलेसनेस। हिज पेरेंट्स यानी उसके माता पिता ऑलवेज स्कोल्डेड हिम यानी हमेशा उसको डांटते रहते थे, हमेशा उसको डांटते थे फॉर हिज केयरलेसनेस, उसकी लापरवाही के लिए उसके माता पिता उसको हमेशा से ही डांटते रहते थे। वन फाइन मॉर्निंग ही वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड एज ही कुड नॉट पेन। वन फाइन मॉर्निंग यानी कि एक सुबह, ही वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वह बहुत ही परेशान था, एज ही कुड नॉट फाइंड हिज पेन, क्योंकि वह उस अपनी पेन को खोज नहीं पा रहा था, उसको उसकी पेन नहीं मिल रही थी। ही नीडेड द पेन टू राइट हिज इंग्लिश टेस्ट। ही नीडेड द पेन, उसको पेन की आवश्यकता थी टू राइट हिज इंग्लिश टेस्ट, उसके इंग्लिश टेस्ट को लिखने के लिए, यानी कि स्कूल में उसका इंग्लिश टेस्ट था तो उसको लिखने के लिए उसको पेन की आवश्यकता थी। ही सर्च्ड फॉर इट एवरीवेयर बट कुड नॉट फाइंड इट। ही सर्च्ड फॉर इट, उसने इसको ढूंढा एवरीवेयर हर एक जगह, बट लेकिन कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन उसको नहीं मिली या उसको वह पा नहीं सका। एज कुणाल वॉज गेटिंग लेट फॉर हिज स्कूल ही हरीड डाउन द रोड टू कैच द बस टू स्कूल। एज कुणाल वॉज गेटिंग लेट फॉर द स्कूल, क्योंकि कुणाल को स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा था, ही हरीड डाउन द रोड, वह रोड के तरफ हरीड डाउन यानी कि बहुत ही तेजी में गया या दौड़ा, टू कैच द बस टू द स्कूल, स्कूल के लिए बस को पकड़ने के लिए वह रोड के तरफ बहुत ही तेजी में गया। ही सा अ लार्ज रेड कलर्ड बस लीविंग द बस स्टॉप। ही सा यानी उसने देखा, अ लार्ज रेड बस, एक बड़ी सी लाल रंग की बस, लीविंग द बस स्टॉप, जो कि बस स्टॉप से जा रही थी। ही रैन आफ्टर इट एंड जम्प्ड इनटू द बस। ही रैन आफ्टर इट, वह इसके पीछे दौड़ा, एंड जम्प्ड ऑनटू द बस, उस बस पर कूद कर चढ़ गया। एन ओल्ड मैन हु वॉज सिटिंग इन द बस सेज। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, हु वॉज सिटिंग इन द बस, जो कि बस में बैठा हुआ था, सेज कहता है, क्या कहता है ओल्ड मैन, डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, ट्राइंग टू कैच अ रनिंग बस इज अ डेंजरस थिंग टू डू, यानी कि ट्राइंग टू कैच अ रनिंग बस, एक चलती हुई बस को पकड़ने की कोशिश करना, इज अ डेंजरस थिंग टू डू, बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। कुणाल कहता है, आई एम इन अ हरी, मैं हरी में हूँ, यानी कि मैं जल्दीबाजी में हूँ। आई हैव अ टेस्ट टूडे, टूडे यानी कि आज मेरा एक टेस्ट है। आई डिड नॉट वॉन्ट टू मिस माई टेस्ट, मैं उस टेस्ट को मिस नहीं करना चाहता। ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने कहा, इट्स बेटर टू मिस अ टेस्ट देन टू मिस द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, यानी कि इट्स बेटर टू मिस अ टेस्ट, एक टेस्ट को मिस कर देना बेटर है, अच्छा है, टू मिस द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, इसके बजाय कि तुम अपनी पूरी जिंदगी को ही मिस कर दो। यानी कि बूढ़े आदमी ने कहा कि तुम पूरी जिंदगी को मत खो एक टेस्ट के चक्कर में। कुणाल कहता है, सॉरी सर, मुझे क्षमा करें सर, आई विल कीप इट इन माइंड एंड फॉलो इट, मैं इसको याद रखूंगा और इसको फॉलो भी करूंगा। द बस वॉज क्राउडेड, जो बस थी बहुत ही क्राउडेड थी, यानी कि उसमें बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। कुणाल लुक्ड फॉर हिज फ्रेंड्स बट नो वन वॉज देयर। कुणाल लुक्ड फॉर हिज फ्रेंड्स, कुणाल ने अपने दोस्तों को उसमें ढूंढा, बट लेकिन नो वन वॉज देयर, उसमें उसके कोई भी दोस्त नहीं थे। ही फाउंड दैट ही वॉज ऑन द रॉन्ग बस। ही फाउंड दैट, उसको पता चला कि ही वॉज ऑन द रॉन्ग बस, उसने गलत बस पकड़ ली है।
हिज फेस टर्न्ड पेल, पेल का मतलब पीला, यानी कि उसका चेहरा तुरंत ही पीला हो गया। ही जम्प्ड ऑफ द मूविंग बस, वह जम्प्ड ऑफ यानी कि कूद गया मूविंग बस, वह चलती हुई बस में से कूद गया। ही लैंडेड विद अ बम्प ऑन द रोड, ही लैंडेड यानी कि वह गिरा विद अ बम्प यानी कि वह धड़ाम से ऑन द रोड, वह रोड पर धड़ाम से गिरा। अ स्कूटर वॉज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, अ स्कूटर वॉज कमिंग एक पीछे से, बिहाइंड का मतलब पीछे से, एक स्कूटर आ रहा था। इट स्टॉप्ड जस्ट अ फ्यू इंचेस अवे फ्रॉम हिम, इट स्टॉप्ड यह रुक गई जस्ट अ फ्यू इंचेस अवे फ्रॉम हिम, उससे सिर्फ कुछ ही इंचेस पर वह स्कूटर रुक गई। द वुमन ऑन द स्कूटर साउटेड एट हिम, स्कूटर पर जो औरत थी वह उस पर बहुत ही साउटेड, साउटेड का मतलब चिल्लाई। वुमन, डू यू वॉन्ट टू हर्ट योर सेल्फ, मतलब कि क्या तुम अपने आप को चोट पहुंचाना चाहते हो। कुणाल कहता है नो मैम, नहीं मैडम, आई एम सॉरी, मुझे माफ करें, आई एम गेटिंग लेट फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ, मुझे स्कूल के लिए देरी हो रही है। औरत कहती है डज दिस मीन यू विल जम्प ऑफ द बस, क्या इसका मतलब यह हुआ कि तुम बस से जम्प कर जाओगे, कूद जाओगे। डोंट यू नो जम्पिंग ऑफ अ मूविंग बस इज डेंजरस, डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते हो कि जम्पिंग ऑफ अ मूविंग बस, एक चलती हुई बस में से कूदना, इज डेंजरस, बहुत ही खतरनाक है। कुणाल स्टार्टेड क्राइंग लाउडली, कुणाल ने बहुत ही जोर जोर से, लाउडली का मतलब जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। ही वॉज बैडली इंजर्ड, बैडली इंजर्ड का मतलब बुरी तरीके से जख्मी, वह बुरी तरीके से जख्मी था। ही टोल्ड हर द होल इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब घटना, उसने उस औरत को सारी घटना बताई। शी लिसेंड केयरफुली, और उस औरत ने इसको ध्यान से सुना। वुमन, औरत ने कहा रिमेम्बर, ध्यान रखो, याद रखो, इट इज ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, यानी कि अफसोस करने से बेहतर है कि हम सुरक्षित रहें, इस बात का हमेशा ध्यान रखो। कुणाल ने कहा व्हाट शुड आई डू मैम, मुझे क्या करना चाहिए। विल यू प्लीज टेक मी टू द डॉक्टर, विल यू प्लीज टेक मी यानी कि क्या आप मुझको ले जाएंगी डॉक्टर के पास। वुमन कहती है श्योर, अवश्य, आई कांट लीव यू अलोन इन सच अ सिचुएशन, मैं तुमको नहीं छोड़ सकती ऐसी परिस्थिति में, इस सिचुएशन में मैं तुमको छोड़ नहीं सकती। कुणाल कहता है थैंक यू वेरी मच मैम, मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑन द वे शी रिसाइटेड हिम अ पोएम, यानी कि वो रास्ते में उस कुणाल को एक पोएम सुनाती है, क्या पोएम सुनाती है, नेवर प्ले ऑन द रोड यानी कि सड़क पर कभी भी मत खेलो, नेवर रन अक्रॉस, सड़क के आर पार कभी भी मत दौड़ो, नेवर वॉक इन ग्रुप्स, कभी भी इकट्ठे होकर ग्रुप बनाकर मत चलो, नेवर ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स, कभी भी ट्रैफिक रूल्स को मत तोड़ो, नेवर जंप फ्रॉम अ बस, कभी भी बस में से मत कूदो, नेवर कैच अ बस, कभी भी चलती हुई बस को मत पकड़ो, नेवर पुट योर हेड और हैंड्स आउट, कभी भी उसमें से अपने हाथ को या अपने सर को बाहर मत निकालो, नेवर येल स्क्रीम और साउट, कभी भी शोर मत करो और चिल्लाओ मत, डूइंग दिस यू विल ऑलवेज बी सेफ एंड साउंड, ये सब करने से तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे, बोथ यू एंड एवरीवन अराउंड, तुम भी और तुम्हारे चारों तरफ जो भी लोग हैं वो सभी लोग इससे सुरक्षित। कुणाल हैड लर्नड अ लेसन, कुणाल को इससे एक सीख मिल गई थी, एक सबक मिल गया था। ही वोव्ड नेवर टू बी केयरलेस, वह कभी भी लापरवाही ना करने का प्रॉमिस किया। बेटर लेट देन नेवर, और इससे हमको ये सीख मिलती है बच्चों कि भले देर हो जाए लेकिन वो बढ़िया है, अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना घट जाए या फिर कोई अनहोनी हो जाए तो उससे बढ़िया हमको देर हो जाए वो ठीक है। तो बच्चों ये अगर आपको अच्छा लगा चैप्टर, ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें
और आगे आने वाले चैप्टर के भी वीडियो इस चैनल पर आते रहेंगे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। चैप्टर के लास्ट में कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, तो आप इसको अपनी कॉपी में लिखकर याद करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू।